तो आज का वीडियो में यहाँ पर हम बनाएंगे दोस्तों एक 3.7 वोल्ट बैटरी चार्जर, जो कि यहाँ पर इसका इंडिकेटर यहाँ पर बताएगा। जैसा कि मान लीजिए हम लोग जब भी इसको बैटरी को चार्ज करते हैं तो सबसे ज़्यादा यही टेंशन होता है कि ये बैटरी किस तरीके से चार्ज हो रहा है, यानी कि ये कब फुल हो रहा है, कितना चार्ज हो रहा है, हम लोग को पता नहीं चलता। इससे पहले भी हमने एक वीडियो के बारे में आपको बताया था, इससे पहले जो हमने वीडियो दिया था बताया था एक सर्किट के बारे में कि किस तरीके से जो है कि हम लोग जो चार्ज करते हैं तो वहाँ पर जो है कि इंडिकेटर नहीं बताता है, सिर्फ उल्टा तरीका से वो काम करता था, जो कि हमने वीडियो में क्लियर यहाँ पर बताया भी और आपको दिखाया भी है। तो चलिए इसके बारे में एक सर्किट हम बना रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट, जो कि अच्छे तरीके से यह काम करने वाला है, वो भी सिर्फ ट्रांजिस्टर की मदद से यहाँ पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आप देखिए इसको बनाने के लिए हम जो यहाँ पर यूज करेंगे वो एक ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे, जो कि BC547 है, काफी पॉपुलर ट्रांजिस्टर है। तो इसी ट्रांजिस्टर से जो हम बनाएंगे इसका यहाँ पर चार्जिंग का सर्किट। तो सभी भाई से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, आपको अगर डिस्प्ले में आपको यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ अगर दिख रहा है तो भाई साहब यहाँ पर क्या है ना कि कमेंट करते हैं यहाँ पर बहुत सारे कि ये हिंदी लिखा हुआ जो टेक्स्ट है इसको हटा दिए। तो भाई ये टेक्स्ट आप खुद ही यहाँ पर हटा सकते हैं अपने से। आप अपने डिस्प्ले में देखें यहाँ पर राइट साइड में जो है कि डबल सी का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि सीसी का ऑप्शन दिख रहा है, उसको टच करके बंद कर सकते हैं। ये चीज़ हमने आपको पहले क्लियर किया क्योंकि इस पर कमेंट आता है। और एक चीज़ आपको बता दें, जो भी कंपोनेंट जो भी चीज़ हम अपने यूज कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर सर्किट तो काफ़ी छोटा सा है तो यहाँ पर वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर किसी का वैल्यू, हर किसी का जो भी यहाँ पर रजिस्टर का हम लगाते हैं तो देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कमेंट करते हैं भाई क्योंकि वीडियो अच्छे तरीके से देखते नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इसका कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले हम इसमें इसको लगा लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिखे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लगा लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको भी वहाँ यहाँ पर क्लियर दिखना चाहिए। तो अभी क्या है कि इसका पिन आउट आप देख सकते हैं, पिन आउट कुछ इस तरीके से है इसका। इसका पहला पिन होता है दोस्तों कलेक्टर होता है, बीच में बेस होता है, लास्ट में इमीटर होता है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर इंडिकेट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एलईडी का लेंगे, जो कि ये मेरे पास अभी ग्रीन एलईडी है। तो आपको यहाँ पर दो एलईडी ले लेना है, एक ग्रीन और एक रेड। तो ये मेरे पास ग्रीन है, एक रेड है, जो कि इंडिकेट के लिए। तो चलिए ये मेरा ग्रीन एलईडी है, तो इसका जो माइनस पॉइंट होगा वो डायरेक्ट हम कहाँ पर इस जगह पर सोल्ड करेंगे, जहाँ पर इसका कलेक्टर पॉइंट है उस जगह में हमको इसको सोल्ड कर देना है। तो चलिए कुछ इस तरीका से इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो ये मेरा जो ग्रीन एलईडी है इसको हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लिया है। अब चलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक यहाँ पर रजिस्टर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया जो भी चीज़ हम यहाँ पर यूज करेंगे सारा कुछ आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस रजिस्टर को हम यहाँ पर लगा लेते हैं, कुछ इस तरीके से हमने इसको लगा लिया है। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक और आपको यहाँ पर रजिस्टर लेना है, तो रजिस्टर के थ्रू ही इसको जो है कि यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक और हम यहाँ पर रजिस्टर ले लिए हैं, तो इस रजिस्टर को हमको इस तरीका से यहाँ पर लगा देना है। तो चलिए इसको इस तरीका से लगा लेते हैं। सर्किट वैसे देखा जाए तो काफ़ी सिंपल रहेगा, देखने में सिर्फ आपको इस तरीका से लग रहा है, वैसे सर्किट डायग्राम आपको दे देंगे, आप डायग्राम की मदद से भी काफ़ी आसानी से आप इसको जो है कि बना सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर हमने इस तरीका से यहाँ पर लगा लिया है। अब हमको एक और यहाँ पर एलईडी लेना है, जो कि ये रेड वाला रहेगा। तो इसको हमको क्या करना है कि इस जगह से हमको इसको सोल्ड करना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट से, यानी कि इसका जो बेस वाला पॉइंट है इस जगह पे हम इसको लगाएंगे, इसके बेस वाला पॉइंट पे हमने लगा दिया है। अब मेरे पास एक और यहाँ पर रजिस्टर बच रहा है, ये रजिस्टर को हम जो है कि डायरेक्ट इस जगह पे यहाँ पर लगा देते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरीका से कर लेते हैं। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर तीन रजिस्टर हमने यहाँ पर यूज किया है। अब इसको इसी वाले पॉइंट में यहाँ पे जो है कि आपको सोल्ड कर देना है, आपस में इसको अटैच कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से जो है कि हमने आपको बनाया है, दिखा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से हमने यहाँ पर बनाया है, जो कि क्लियर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पर दो रजिस्टर जो कि दोनों एक ही वैल्यू का हमने इस तरीके से यहाँ पर लगाया है। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये दोनों एक ही में यहाँ पर कनेक्ट है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रजिस्टर का इस पार जो है कि आपको नेगेटिव मिलेगा और रजिस्टर का इस पार आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तभी जो है कि ये सर्किट अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करेगा। तो अभी हमको यहाँ पर करना क्या है, चलिए यहाँ पर एक बैटरी होल्डर एक ले लेते हैं, जो कि ये वाला मेरे पास है। तो इसका जो नेगेटिव रहेगा दोस्तों वो नेगेटिव हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं, इस वाला पॉइंट पर यहाँ पर नेगेटिव हम यहाँ पर सोल्ड करेंगे। तो ये मेरा एक यहाँ पर हमको सोल्ड कर देना है, चलिए इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। और इसका जो यहाँ पर पॉजिटिव है वो पॉजिटिव हम यहाँ पर लगा लेते हैं इस जगह पर, तभी ये सर्किट किस तरीके से काम करेगा वो चीज़ आपको यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। तो चलिए ये मेरा जो सर्किट है यहाँ पर कम्प्लीट है, इसको यहाँ पर साइड करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से आपको करके यहाँ पर अच्छे तरीके से दिखाते हैं।
अभी चलिए मेरे पास जो है कि यहाँ पर तीन बैटरी है, आप ये देख सकते हैं मेरे पास तीन बैटरी, ये तीनों पुराना बैटरी है। तो ये तीनों में जो है कि जब चार्ज सबसे पहले इसको दिखाएंगे कि ये बैटरी कितना चार्ज है और किस तरीके से ये सर्किट काम कर रहा है। तो चलिए हम चार्ज करने के लिए ये वाला मल्टीमीटर का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले एक एक करके इसका हम चार्जिंग यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि इसका चार्जिंग है कितना। यहाँ पर चार्जिंग आप देख सकते हैं 3.6 है ये वाला बैटरी का, आप देखिएगा कलर से यहाँ पर पहचान सकते हैं। और ये वाला बैटरी है, इसका चार्ज हम देखते हैं इसका चार्ज कितना है, तो इसका भी देख सकते हैं 3.7 है, यानी कि 1 वोल्ट का कम बेसी है यहाँ पर। और एक और मेरे पास ये बैटरी है, इसका हम चार्ज आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3.7 है। लेकिन इस बैटरी और इस बैटरी में एक चीज का अंतर है आपको बता देते हैं, ये जो बैटरी है इसका सेल थोड़ा सा खराब है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट चार्ज होता है और डाउन भी जल्दी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है कि एक एक करके लगाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीका से ये इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए कुछ इस तरीका से कर देते हैं, तो आपको LED आपको यहाँ पर दिखे। तो ये रहा चलिए इसका नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव में हम इसको लगाते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि रेड और ग्रीन यहाँ पर दोनों यहाँ पर जल रहा है, यानी कि ग्रीन तो आपको कंटिन्यू आपको ये चीज में बताएगा यहाँ पर, जैसे कि हमने आपको बताया ग्रीन जो है कि पूरा फुल ग्लो में यहाँ कर रहा है बैटरी। जैसे जैसे डाउन होगा दोस्तों, यानी कि इसका भी चार्जिंग सिस्टम भी आपको बताएंगे, जैसे जैसे बैटरी यानी कि यहाँ पर डाउन होगा चार्ज इसका खत्म होगा, तो ग्रीन जो है कि धीरे धीरे यहाँ पर जो है कि कम होगा। और जैसे ही इसका यानी कि 3 पॉइंट ऊपर यानी कि 3 पॉइंट जब पहुंच जाएगा, तो ये रेड वाला जो है कि आपको यहाँ पर जल जाएगा, ठीक है, रेड इंडिकेट कर जाएगा। इससे नीचे अगर डाउन होता है यानी कि 2.3 को नहीं पहुंचता है 2 पॉइंट पर, तो ये रेड इंडिकेट नहीं करने वाला है उससे पहले। तो चलिए ये एक हमने लगाया जो कि बैटरी का चार्जिंग आपको पहले ही दिखा दिया था, ठीक है। अब चलिए दूसरा वाला लगाते हैं, ये दूसरा वाला भी देखिए यहाँ पर इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि दोनों का हमने चार्ज यहाँ पर आपको तीनों का दिखाया है यहाँ पर मल्टीमीटर से। चलिए ये वाला मेरा बचा है तो इसको भी लगाते हैं, तो ये भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको कंफर्म होने के लिए चार्ज यहाँ पर जो है कि इसको खत्म करेंगे इस वाले बॉल से। तो ये बॉल का हमने इससे पहले भी यूज किया था ये बैटरी चेक करने के लिए, तो एक भाई का कमेंट था कि भाई ये 12 वोल्ट का बॉल है, ये 3.7 वोल्ट से कैसे जलेगा। तो भाई शायद आपको यहाँ पर पता नहीं है, शायद आप अच्छे तरीके से यहाँ पर जानकारी नहीं लिए हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि बॉल चाहे 12 वोल्ट का हो या 24 वोल्ट का हो, बैटरी का अगर एम्पियर है तो 100% जलेगा, ठीक है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना जले, कम क्यों ना जले, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, तब जाके आपको कमेंट करना चाहिए। तो अभी चलिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको इस तरीके से बैटरी पर लगा के और इस बॉल को हम यहाँ पर जलाएंगे, आपको इस तरीके से रख रहे हैं ताकि यहाँ पर आपको दिखे। ये एक पॉइंट यहाँ है, तो चलिए हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं, ये बैटरी वाला पॉइंट है यहाँ पर। तभी देखिए मेरा लाइट जो है यहाँ पर जल रहा है, भाई का कमेंट था कि नहीं जल रहा है, नहीं जलता है। भाई आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि ये 3.7 वोल्ट के बैटरी से ये बॉल जल रहा है। एक बार यहाँ पर इस तरीका से आपको ये ऐसा ना लगे, यहाँ पर थोड़ा छूट रहा है, चलिए अच्छे तरीका से इसको हम पकड़ लेते हैं। ये एक बॉल का मेरा यहाँ पर दो रहता है इसका बॉल का कॉइल, तो उसके कारण से जो है कि यहाँ पर 3 वायर है। चलिए एक काम करते हैं, इस वायर को ही यहाँ पर कट कर देते हैं ताकि आपको लगे ना कि कहीं अलग से हम कोई सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हम एक हमने यहाँ पे लगा दिया, इसको बस हम खत्म कर रहे हैं ताकि यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ में आए, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएंगे जो भी आपके सामने यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा लाइट जल रहा है, ये कुछ ही सेकंड में जो खत्म हो जाएगा। चलिए एक चीज इससे बढ़िया बेहतर आपको क्लियर करेंगे, इसमें आपको मीटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन वीडियो में फुल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए इसका जो नेगेटिव है वो नेगेटिव हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, ये बैटरी का है। और इसका पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव में लगा देते हैं, तभी बैटरी आप यहाँ पर चार्ज देख सकते हैं, एक तरफ आपको चार्ज भी दिखेगा। अभी चलिए इसको हम डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज होता हुआ भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है, फिर इसको चार्ज भी करेंगे, चार्ज किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से इंडिकेट कर रहा है, वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। तो चलिए एक और भी वायर किसी तरीके से यहाँ पर हम लगा लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम लगा दिया है, ये देखिए। तो चलिए वहां पर मीटर में भी आपको दिखेगा, यहाँ पर लाइट भी आपको दिखेगा, रेड वाला आप दिखेगा हल्का हल्का जो ये बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ग्रीन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया 3 पॉइंट नीचे यहाँ पर डाउन होना चाहिए। अभी देखिए 1-1 वोल्ट करके यहाँ पर डाउन हो रहा है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन यहाँ पर पूरा क्लियर आपको इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्या काम कर रहा है, या क्या चार्ज हो रहा है, या क्या डिस्चार्ज हो रहा है, ये सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है।
ये थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर देते हैं ताकि यहाँ पर ज्यादा समय ना लगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि 3 पॉइंट से यहाँ पर डाउन हो चुका है, 2.3 यहाँ पर हो चुका है, लेकिन रेड इंडिकेटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी बंद हो चुका है। जैसा कि हमने बताया, जब भी ये फुल चार्जिंग पे यहाँ पर इंडिकेट करता है जो कि 3.7 3 पॉइंट का ओवर, उससे पहले नहीं बताएगा। ग्रीन वाला भी आप देख सकते हैं 1 पॉइंट पे आके ग्रीन वाला जो है कि यहाँ पर हल्का हल्का भी जल रहा है, शायद आपको दिख नहीं रहा, बहुत हल्का यहाँ पर वो भी देखिए बंद हो चुका है, ग्रीन वाला भी यहाँ पर बंद हो चुका है। और इसको बॉल यहाँ पर देखिए तो बहुत ही हल्का जल रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये पूरा यहाँ पर डाउन हो चुका है, आप यहाँ पर मीटर में देख सकते हैं 1.4 1.5 कुछ इस तरीका से। तो और भी इसको डाउन करते हैं, जितना नीचे तक इसको लेके जाते हैं उसके बाद जो है कि आपको दिखाते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डिस्चार्ज बैटरी एक भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा यहाँ पर जल रहा है लाइट, आप देख सकते हैं इसका कॉइल हल्का सा यहाँ पर दिख रहा है, लाल लाल जल रहा है अभी, क्योंकि 1.1 अभी यहाँ पर वोल्टेज है इसमें, और भी डाउन हो रहा है धीरे धीरे। इस बॉल को हमने इसलिए लगाया ताकि जितना जल्दी जो है कि ये बॉल जो है कि 12 वोल्ट का है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बैटरी खाता है, तो इसलिए हमने इसको लगाया। चलिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें करंट है 0.9 है, यानी कि 1 वोल्ट के करीब। अब चलिए लाइट को हटाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये बैटरी मेरा थोड़ा सा खराब था, इतना जल्दी तभी जो है कि ये डाउन हो पाया, नहीं तो ये बैटरी इतना जल्दी डाउन नहीं होता है। तो जैसे ही हटाएंगे, ये क्या है ना कि बैटरी ऑटोमेटिक जो है कि यहाँ पर चार्ज जो है कि इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ता है ऑटोमेटिक। चलिए इसको वायर यहाँ से हम निकाल देते हैं, ठीक है, इसको हम वायर हटा दिया। और मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं यहाँ ऑटोमेटिक जो है कि यहाँ पर चार्ज यहाँ पर बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं हमने कोई चार्जर यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया है। अब ये मत समझिए कि ये बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज हो रहा है, ये मेरा बैटरी ही खराब है, ठीक है। ये वाला बैटरी लगा देंगे, इसमें से कोई सा ये बैटरी तो ऑटोमेटिक नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये वाला बढ़ता है, इसलिए लगाया ताकि यहाँ पर आपको ये भी समझ में, क्योंकि चार्ज भी हमको करना है। अभी चलिए इसका चार्जिंग सिस्टम हम बताएंगे कि इसको चार्ज किस तरीका से आपको यहाँ पर करना है। तो चार्जिंग के लिए यहाँ पर दो तरीका आपको बताएंगे, जैसा कि हमने अगले वीडियो में जो है कि यहाँ पर हमने लगाया था एक N4007 डायोड लगाया था, तो वहां पर क्या है कि जब लो यानी कि बैटरी फुल लो चार्ज होता है, तो वहां पर क्या था ना कि चार्ज करते थे डायोड में से जो है कि धुआं निकलता था। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये डायोड लेना है, ठीक है, 5408 आपको लेना है। तो ये डायोड लीजिएगा तो ये क्या है कि गर्म नहीं होगा, इसमें से कोई भी धुआं नहीं निकलेगा। तो दो तरीका जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर चार्ज करने का, इसमें अगर आप चार्ज करते हैं दोस्तों इस तरीका से, तो चार्जिंग आपको जो है कि यहाँ पर काफी फास्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये बैटरी काफी फास्ट चार्ज करेगा। आपको जब इंडिकेट यहाँ पर कर जाए तो आपको चार्ज में से यहाँ पर निकाल देना होगा, क्योंकि एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, आपको अगर हो सकता है कि इस चीज का आप आसरा देख रहे हैं कि ये सर्किट ऑटो कट नहीं है, इंडिकेट कर देगा कि बैटरी आपका फुल चार्ज हो गया, ऑटो कट नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगा। तो इसका जो सिल्वर पट्टी रहेगा ये बैटरी का पॉजिटिव पे आपको इस तरीके से सोल्ड कर देना है, और एक आपको पॉजिटिव इस जगह पे सप्लाई देना है जो मोबाइल का चार्जर से जब इसको आप चार्ज कीजिएगा, और नेगेटिव जो बैटरी का नेगेटिव है डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट बैटरी में जाएगा, ये सर्किट सिर्फ इंडिकेट करता है, ऑटो कट नहीं करता है। और एक तरीका आपको यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से बताएंगे, जो कि मान लीजिए उससे आपका बैटरी भी सेफ रहेगा और अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है कि वो काम भी करेगा। जैसा कि दूसरा उपाय हमने आपको क्या बता रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है, जो कि कोई भी एलईडी में से आप निकाल सकते हैं, एलईडी का जो ड्राइवर होता है उसमें से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आप यहाँ पर तार जोड़ लीजिएगा, जो कि यहाँ पर ये कट का निशान देख करके आप यहाँ पर, इसमें क्या है ना कि वोल्टेज आपको यहाँ पर परफेक्ट मिलेगा, और इसके जरिए से जो है कि ये परफेक्ट तरीका से ये बैटरी भी चार्ज होगा, अच्छे तरीके से चार्ज होगा, ये गर्म भी नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें वोल्टेज आपको चेक करा देते हैं। तो ये मेरा यहाँ पर मोबाइल का चार्जर से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये मोबाइल का चार्जर है, चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये मोबाइल का चार्जर में यहाँ पर लगा हुआ है, ये तार इसमें यहाँ पर लगा हुआ, आपको एक बार अच्छे तरीके से दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं ये जोड़ा हुआ है। तो चलिए इसको यहाँ पर लगाते हैं और इसमें से यहाँ पर सप्लाई आएगा। तो इसमें सबसे पहले वोल्टेज आपको दिखाते हैं कि मेरा यहाँ पर कितना सप्लाई अभी आ रहा है जो मोबाइल का चार्जर है उसमें से। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है कि इसको लगाना है, ये वाला जो है कि इसको लगाना है। तो यहाँ पर जो है कि नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर नहीं होता है,
ठीक है। और यहाँ पर अब इसको वोल्टेज हम चेक कराते हैं कि यहाँ पर जो इसके आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर मीटर पे आप देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर 4.3 वोल्ट आ रहा है कुछ इस तरीका से। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लरिंग कर रहा है, देख सकते हैं 4.3 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर इसके लिए जो है कि इस बैटरी के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर वोल्टेज इस डायोड की वजह से मिल जा रहा है। और अगर डायरेक्ट हम इसको लगाते हैं तो यहाँ पर जो है कि वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा मिलता है और फर्स्ट चार्ज कर देगा, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज मिलता है। इसमें क्या है कि आप ज़्यादा देर भी छोड़ दीजिएगा तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये दोनों जो वायर है इसका नेगेटिव पॉजिटिव और डायरेक्ट आपको यहाँ पर बैटरी में जोड़ देना है, ठीक है। नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से आपको डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर दिखाते हैं। तो इसका कनेक्शन अभी जो है कि इसका लाइट यहाँ पर चालू है और इसको आप क्या करते हैं, ये जो मीटर, जो मेरा मीटर है इसका प्रोफ हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते हैं इसके पॉजिटिव में, ताकि यहाँ पर आप देख सकें। और ये रहा इसका नेगेटिव, चलिए दोनों हमने लगा दिया है। और इन दोनों वायर को यहाँ पर हमको सिर्फ सोल्ड करना है, इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर कनेक्शन जो है कि इसका चालू हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं। ये इसका पॉजिटिव है और नेगेटिव यहाँ पर मेरा आ रहा है, तो नेगेटिव हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर जोड़ा, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन लाइट जो है कि यहाँ पर जल रहा है और अभी रेड यहाँ पर नहीं जल रहा है। और वोल्टेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, वोल्टेज एक प्रोप यहाँ पर निकल चुका है दोस्तों, यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, वोल्टेज अभी आप देखिए 3.3 है। थोड़ा सा यहाँ पर इसको वेट करते हैं, देखते हैं कि यह किस तरीके से मतलब चार्जिंग यहाँ पर करता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर बैटरी का चार्ज भी रहेगा तब भी जो है कि यहाँ पर ग्रीन वाला जो है कि कंटिन्यू आपको इंडिकेट करता रहेगा, यानी कि 2 पॉइंट रहेगा। 2 पॉइंट का बाद ही जो है कि ये रेड वाला जो है कि धीरे धीरे जो है कि जलना यहाँ पर शुरू होता है। जब इसका बराबरी में आ जाता है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ समझ जाना है, यानी कि दोनों का बराबरी थोड़ा सा कम रहेगा बराबरी में, तो यहाँ पर जो है कि आपको बैटरी फुल इंडिकेट का यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा कि चलिए एक काम करते हैं, क्या करना है हमको कि यहाँ पर जो है कि इस बैटरी को यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये जो मेरा बैटरी है इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बैटरी हमने यहाँ पर निकाल लिया है और ये मेरा बैटरी यहाँ पर चार्ज है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर भी लगा देते हैं। ये समय थोड़ा सा बचा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो अभी यहाँ पर देखिएगा धीरे धीरे जो है कि यहाँ पर रेड लाइट जो है कि यहाँ पर ग्लो कर रहा है, आपको दिखा दें यहाँ पर अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए रेड लाइट जो है कि यहाँ पर जलना यहाँ पर शुरू हो चुका है। और जैसे ही मतलब और थोड़ा सा यहाँ पर और भी ओवर जाएगा तो ये रेड लाइट जो है कि इसके बराबरी में, यानी बराबरी नहीं थोड़ा सा कम में यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि यहाँ पर बैटरी जो है कि आपका चार्ज यहाँ पर हो चुका है और उससे पहले जो है कि ये नहीं जलेगा। जैसे कि यहाँ पर चलिए इसको हटाते हैं, इसको हमने हटा दिया। तो जैसे कि मेरा बैटरी अभी यहाँ पर जो है कि चार्ज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस चार्ज का मुताबिक जो है कि यहाँ पर ये बता रहा है ये बैटरी मेरा चार्ज कम होगा। कम बोले तो क्या, ये ना के बराबर है, यहाँ पर देख सकते हैं है 3.3 वोल्ट है। 3 पॉइंट प्लस रहेगा, इंडिकेट यहाँ पर गर जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने इससे पहले आपको लो करके भी देखा है, ये इंडिकेट नहीं करेगा। तो चलिए छोटा सा ये वीडियो था यहाँ पर। और यहाँ पर सर्किट डायग्राम अभी आप देख सकते हैं कि सर्किट डायग्राम यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने दिया है। जो आपको यहाँ पर एलईडी दिख रहा है रेड और ग्रीन, ये दोनों एलईडी है। बाकी रजिस्टर वगैरह सारा कुछ दे रखा है, ट्रांजिस्टर दे रखा है, बी रेक्टिफायर भी हमने यहाँ पर दे रखा है। आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप एक टाइप बोर्ड लगा के भी चार्ज कर सकते हैं। चलिए वीडियो बाकी पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीके का वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।